गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज फिर से मैं उस टॉपिक पे व्लॉग लेके आ चुका हूँ जिस टॉपिक पे मैं, मतलब मेरा पिछला व्लॉग था उसी टॉपिक पे ये वाला व्लॉग रहेगा। और गाइस, आज मैं ट्राईपॉड भी लेके आ चुका हूँ और उससे वीडियो शूट करके देखेंगे कि वीडियो कैसी आती है उससे। और अभी चलते हैं, बाहर चलेंगे तो छत पर चलेंगे, छत पर जाके फिर उस मंदिर पर, मतलब उस मंदिर पर फोकस करेंगे अभी। तो देखते हैं अभी, मतलब उस मंदिर पर मतलब कैसा फोकस होता है। वैसे तो नहीं हिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा उस पर। गई जाते मुझको पता है ट्राईपॉड से तो नहीं हिल पाएगा वीडियो, बिल्कुल नहीं हिल पाएगा, क्योंकि जो वैसे हाथ से बनाते हैं तो कैमरा हिलता है बहुत। वो जो लेंस होता है ना उस पर, फ़ोन पे लगाते हैं जो मैंने दिखाया था आपको लेंस, वो बहुत ज़्यादा हिलता है उस पर। तो गई सब दोबारा से ट्राई करते हैं, देखते हैं, इस बार तो नहीं हिलेगा, इस बार फिर से मंदिर को ही फोकस करेंगे। और अब देखते हैं उस चीज़ को कि मतलब अच्छे से फोकस हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर हुआ तो बताऊंगा आप सभी को, अगर नहीं हुआ तो फिर आप देख सकते हो, आप देख लेना कि हो रखा है नहीं हो रखा है। तो भी चलते हैं बाहर, छत पे चलते हैं और छत पे जाके देखते हैं। देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि कैसा वीडियो बन रहा है उससे कि कैसा नहीं बन रहा है। तो वैसे भी चलते हैं, तो चलो। फाइनली गाइस, अपना ट्राईपॉड आ चुका है और इसी से वीडियो शूट होने वाला है। अभी देख सकते हैं आप कैसा है ये। गाइस, हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, नीचे से और भी बड़ा कर सकते हैं इधर से, लेकिन अभी इतना ही ठीक है, इतने से बन जाएगा अभी। और गाइस, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप सभी को। गाइस, जो मंदिर है ना, वो काफ़ी दूर है यहाँ से। अभी दिखाता हूँ उस मंदिर को भी, वैसे मैंने पहले भी दिखाया हुआ है लेकिन अभी भी दिखा सकता हूँ मैं इसको, कैसा है और कैसा नहीं, मतलब कितनी दूर है। और फाइनली गाइस, ये देख सकते हो आप कितना दूर है मंदिर, काफ़ी दूर है। देखो, ऐसे फ़ोन से तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, मतलब बहुत ब्लर ब्लर सा हो रखा है ना, तो उसे दिख भी नहीं पा रहा है अच्छे से। तो अभी इससे मतलब कैमरे से बनाएंगे, सॉरी लेंस से बनाएंगे, तो देखेंगे अभी। ये देखो गाइस, कितना दूर है, काफ़ी दूर है यार। और देखो गाइस, ऊपर भी मतलब आसमान को देखो, बादल आज भी पूरे छाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। मौसम भी गंभीर हो रखा है अभी। और फाइनली गाइस, एक बात और बता दूं आप सभी को। गाइस, जो ये है ना, ये इससे भी और ऊंचा हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप सभी को, तो ये इससे भी और ऊंचा हो सकता है। तो अभी करके दिखाऊंगा मैं आप सभी को। गाइस, आप देख सकते हो, ये यहाँ से खुलेगा ऐसे, ऐसे खुलने के बाद तब जाके मैं पूरा बड़ा करके दिखाता हूँ आप सभी को। तो गाइस, आप देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है ये। तो अभी गाइस, मैं लेंस लेके आने वाला हूँ और लेंस लेके मतलब लेने के बाद फिर यहाँ पर वीडियो शूट होगा भी। ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रखी है इधर छत पे, क्योंकि धूप भी आई हुई है ना। गाइस, अपने देखो ट्राईपॉड आ भी चुका है, तो अब इसको यहीं पे रखा नहीं देते, क्योंकि अभी जो लेंस है वो रूम में रखा हुआ है और रूम से लेके आना पड़ेगा अभी इसको। तो गाइस, अभी यहीं पे रखा है तो उसको रखने दो यहीं पे। तो अभी चलते हैं लेंस लेने के लिए, तो अभी चलो फिर उसके पास शूट करेंगे अच्छे से। और गाइस, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, पीछे दिख रहे हैं जो पौधे हैं, जिनकी मैं अक्सर करके खास कर करके वीडियो बनाता रहता हूँ। और जो मतलब इसके पीछे फूल आते हैं, जो छोटे छोटे से फूल आते हैं गाइस, वो अभी तो नहीं आ रहे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि सुबह सुबह आते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, वो सुबह सुबह निकलते हैं, जो कलियाँ होती हैं फूलों की बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है, वो निकलती है और निकलने के बाद 10 या 11 बजे तक रहती है, उसके बाद फिर से आते मुरझा जाती है क्योंकि गर्मी हो जाती है, धूप लगती है उस पर आगे, तो इस वजह से मतलब गर्मी की वजह से वो मुरझा जाती है। और जिनको पानी भी देना पड़ेगा, पानी देने के बाद अभी तो नहीं, मतलब एक घंटे के बाद पानी देना पड़ेगा इनमें, और पानी देने के बाद तब जाके इनको थोड़ा वो अच्छा सा फील होगा, यानी मतलब हरे भरे हो जाएंगे फिर से, नहीं तो ऐसे धूप से तो मतलब ऐसे हो जाते हैं, जैसे सूखे सूखे से इनका कलर भी चेंज हो जाता है गाइस, आप देख सकते हो। तो गाइस, अभी चलते हैं लेंस लेने के लिए, तो चलो अभी फिर से शूट होगा अभी अच्छे से। फाइनली गाइस, मैं रूम में आ चुका हूँ और रूम से मेरे को लेंस मिल गया है, और अभी छत पे चलते हैं और तब जाके इसे शूट करते हैं और देखते हैं जाके कैसी वीडियो बन रही है। और अभी तो मतलब मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, वो छत पे जाके तो और भी ज़्यादा, क्योंकि धूप आ रही है और फिर छांव आ रही है, ऐसा हो रखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है उधर। तो गाइस, अभी छत पे चलते हैं और छत पे जाके अभी वीडियो बनाएंगे और देखेंगे अभी कि इससे कैसी वीडियो बनती है, क्योंकि पहले मैंने बनाई थी, पहले तो बहुत ज़्यादा हिल रही थी गाइस वो वीडियो, लेकिन इस बार देखते हैं। देखो गाइस, मेरे को पसीना भी बहुत आ रखा है क्योंकि छत पे इतनी गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्म हो रहा है छत पे। तो अभी चलते हैं गाइस, तो वीडियो शूट करते हैं वहाँ पे, तो चलो चलते हैं। गाइस, मैं छत पे आ चुका हूँ और लेंस भी अपना आ चुका है, ये रहा लेंस। और गाइस, अभी इसे शूट करते हैं
और देखते हैं कैसी बनेगी। वैसे तो देख मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि मतलब कैसा लग रहा है ऐसे देखने, जब फ़ोन पे लगेगा फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी दिखाता हूँ गाइस आप, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, ये देख सकते हैं आप, लेकिन ये ऐसे नहीं लगेगा, ये फ़ोन पर लगेगा। और गाइस ये लेंस ऐसा दिखता है, कुछ आपको दिखाया भी था मैंने, और ट्राईपॉड पर लग के तो और भी अलग दिखेगा। तो गाइस थोड़ा दूर से लेता हूँ उसका पूरा अच्छे से वीडियो। गाइस से रखा हुआ है ऐसे, और आप देख सकते हो उसको, ये कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को, जो ट्राईपॉड है मतलब यहाँ से घुमाते हैं इसको ऐसे करके सूट होता है इसको, थोड़ा ऊपर करते हैं ऐसे, ऐसे नीचे करके, तो ऐसे सूट होता है इससे गाइस। और अभी देख सकते हैं आप, और मंदिर यहाँ से दिखाता हूँ आपको कितना दूर है, काफ़ी दूर है गाइस, ये देख सकते गाइस ये यहाँ पे ट्राईपॉड है, देखो मंदिर कितना दूर है, यहाँ से सूट होगा ऐसे करके दिखाया जाएगा, ये देखो कितना दूर है, ये एंडिंग होगी इसका, बस लास्ट है इतना जूमिंग। और अभी देखते हैं उसको पीछे करके, तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप कितना दूर है, काफ़ी दूर है गाइस इससे, ये देखो। और फाइनली गाइस वो समय आ चुका है जो मतलब अभी शूट करने वाला समय आ चुका है, अभी शूट करने के लिए रेडी होते हैं हम लोग, तो करते हैं गाइस अभी। अब इसको पहले सेट करना पड़ेगा, इसको पहले सेट करता हूँ मैं, सेट करने के बाद दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस अब देखो हवा भी चलने लगी है, अब थोड़ा कम गर्मी लग रहा है यहाँ पर क्योंकि हवा भी चलने लगी है जैसे कि। तो और गाइस इसको शूट करने में जो मतलब मज़ा आता है ना, अलग ही लेवल का आता है गाइस, तो अभी आपको दिखाता हूँ, तो करते हैं गाइस अभी शूट। फाइनली गाइस अपना ये सेट हो चुका है गाइस, अब आप देख सकते हो ये नहीं भी हिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है। तो गाइस यही बोलना चाहता मैं आपको कि इस पे लग के हिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस अभी आपको अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ, जो से मतलब यहाँ से जो अच्छी दिखती है, मतलब देखने में थोड़ा अच्छा आसान होता है उसको, दूर वाली चीज़ें होती है ना वो देखने में यहाँ से आसान होती है, तो वो दिखाना चाहूँगा मैं आप सभी को भी। तो पहले थोड़ा जूम करते हैं इसको, देखो जूम कर सकते हो, थोड़ा हिलेगा ना क्योंकि उस पर टच होगा ना, जैसे फ़ोन पे हार्ड टच होता है तो ऐसे हिलता है ये, लेकिन वैसे नहीं हिलेगा ये, जैसे मतलब कल हिल रहा था ना, कल मैंने व्लॉग डाला तो ऐसे आज नहीं हिलेगा ऐसे, ये देख सकते हो आप। तो गाइस ये देखो अभी देखो थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा ऐसे हिलेगा बस, ये थोड़ा इधर उधर लोकेशन दिखाने में ना तो तब हिलेगा ये, नहीं ऐसे नहीं हिल पाएगा ऐसे बिल्कुल भी। तो अभी गाइस ये देख सकते हो कितना जूम हो गया, तो इसको थोड़ा नीचे रखते हैं यहाँ से, ये देख ये ऐसे तो थोड़ा हिलेगा है, लेकिन अभी रुको अभी इसको सेट करता हूँ अच्छे से। और गाइस ये देखो बिल्कुल जूम हो गया, और वैसे मैंने आप सभी को दिखाया था, देखो यहाँ से जो मंदिर के सबसे ऊपर वाला सीन दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला ये देख सकते हो आप, और यहाँ से कितना क्लियर दिख रहा है, आप सभी इस चीज़ को तो देख ही सकते हो ना कितना क्लियर हो रखा है, ये देखो ये थोड़ा मैं टच हो गया था इससे, तो इसलिए हो रखा, देखो आपने देखा होगा पंछी भी आए वहाँ पे, कबूतर है शायद ये, एक कबूतर बैठा हुआ है वहाँ पे आके, एक मिनट रुको इसी को जूम करते अच्छे से। वैसे कबूतर वाला एरिया मैंने जूम किया है, और वो तो कबूतर तो उस साइड चला गया, देखो एक चिड़िया आई है उधर, और गाइस से जो लगे हुए उसमें माइक है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें लगे हुए हैं इनका नाम मेरे को ध्यान दे बस मन मन में, लेकिन वो अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। तो वैसे देख सकते हो आप कितना अलग दिख रहा है इसे, और जितने पंछी आ रहे हैं बैठे हुए हैं इसमें, और कुछ देर के बाद भी भजन स्टार्ट हो जाएंगे तब जाके पंछी उड़ जाएंगे यहाँ से, अलग ही हो रखा है भाई बहुत अलग, ये देख सकते हो आप कितना दूर है। और ऐसे देखो देखो कितना काफ़ी, ऐसे तो देखो अगर ऐसे भी देख लोगे आप तो ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा जैसे कि मतलब वहाँ पे क्या है, पंछी बैठा है कि नहीं बैठा, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जूम करते हैं तो जूम भी क्लियर दिखाता है, तो भी जूम करते हैं गाइस अभी, एक मिनट को ये देख सकते हो गाइस जूम करके इतना, ये फुल जूम है। और गाइस अभी मैं वहाँ पे जाके भी दिखाऊंगा आप सभी को, थोड़ा उस साइड से देखो मेरे को फोकस करेगा नहीं कर पाएगा मुझ पर, तो अभी रुको जाता हूँ अभी दिखाता हूँ आप सभी को, काफ़ी दूर है वैसे जाने में थोड़ा अलग सा फील हो रहा है, लेकिन जाता हूँ अभी मैं, अभी दिखाता हूँ आप सभी को, अगर मैं दिखूँगा तो शायद से दिख तो जाऊँगा मैं,
हाँ दिख जाऊंगा मैं वहाँ से गाइस, पता नहीं कुछ पंछी उड़ रहा है वहाँ पे। अभी मैं जाने वाला हूँ गाइस। गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और मेरे को ये नहीं पता कि मुझ पे फोकस हुआ होगा नहीं हुआ होगा वहाँ पे, तो अभी देखूँगा कि फोकस हुआ कि नहीं हुआ मुझ पे वहाँ पे। तो गाइस यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ अभी आप सबको इधर वाली। एक मिनट रुको गाइस, गाइस अभी उधर की चीज़ें दिखाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस आप, गाइस वो ब्रिज है वहां पे, अलग ही उधर भी वो वहां पे गाड़ी चल रही है। अभी दिखाऊंगा जूम करके और भी ज्यादा। तो गाइस ये रहा देखो ब्रिज, वो इसको जूम करते हैं अभी, देखते हैं कैसा बनता है इधर से। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा नीचे से करते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं आप, ये ब्रिज है गाइस यहाँ पे, ये वाला देखो चल रहा है वहाँ पे, कितना दूर है देख, गाड़ी इधर से चल रही है, कोई बंदा भी चल रहा है उधर से। ये आप इधर देख सकते हो कोई बंदा इधर, वो रुक गया वहाँ पे। कितना दूर को जूम किया हुआ है भाई, बहुत दूर को जूम किया हुआ है। देखो ये जा रहा है, ट्रक जा रहा है और कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं उधर पे, काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये देख गाइस उधर टावर है, और गाइस देखो उधर भाई अलग ही सीन है इधर का। तो यहाँ से गाइस इतना दूर है, बहुत दूर है, यहाँ से 5 से 6 कैसे बताऊँ, कम से कम 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब आप देख सकते हो, सोच सकते हो कितना दूर होगा। देख कोई चल रहा है वहाँ पे, ये बस जा रही है। ब्रिज से जाएगी बस, कितनी स्पीड से जा रही है। उधर टावर है देख सकते हो आप, थोड़ा और जूम करते हैं गाइस, ये देख सकते हो आप इधर आसमान से भी, मतलब उधर भी बहुत वैसा हो रखा है आसमान बे भाई, हरे भरे पेड़ गाइस। अब आस पास के घर जूम हो रखे हैं, देख सकते हो आप उधर पूरा जंगल जंगल है। गाइस मैं वहां पे जाके दिखाता हूँ अभी आप सभी को, मतलब थोड़ा आसपास में अभी जाके दिखाता हूँ।
गाइस मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा आसपास में। गाड़ी वहाँ पे गाड़ी रुकी है वहाँ पे एक, मेरे को गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे। फोकस कर भाई भाई फोकस नहीं कर पा रहे अभी। किया फोकस किया अभी। यार क्या हो गया इसमें, हिल रहा है क्या? एक मिनट को गाइस अभी हिल रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा अच्छे से। गाइस अब फोकस किया इसने दोबारा। तो वहाँ पे गाइस कुछ गाड़ी रुकी हुई है, ज़्यादा ही चल रहे हैं इसलिए थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा मतलब हाँ मतलब थोड़ा तो हिल ही रहा है। अब रुक गया फिर से ना गाइस। वहाँ पे कभी कभी जाम भी लग जाता है, कभी कभी जैसे कि आप देख रहे हो ये सब, कभी कभी जाम भी लग जाते हैं वहाँ पे। इतना दूर है भाई, बहुत दूर है। फाइनली गाइस फिर से जूम करते हैं, देखते हैं अभी। गाइस देखो यहाँ पे भजन स्टार्ट हो गए हैं मंदिर पे। एक मिनट को जूम करके दिखाता हूँ अभी, रुको रुको रुको। तो गाइस फाइनली वहाँ पे देख सकते हो आप, भजन स्टार्ट हो चुके हैं। जो वहाँ पे पंचित हो उड़ गए हैं देख सकते हो आप। देखो और भी ज़्यादा पंछी आ गए वहाँ पे। देख सकते हो आप भाई, अलग ही दिख रहा है इधर से। गाइस अब इसको जूमिंग करते हैं, जूमिंग तो वैसे बहुत हो चुका है, और भी ज़्यादा करते हैं थोड़ा बहुत और, ये लास्ट है। जूमिंग करते हिल रहा है वो, ये देखो गाइस। तो फाइनली गाइस मैं इसको लेंस को उतारने वाला हूँ, उतारने वाला होगा इस लेंस को भी, तो उतारते हैं अभी क्योंकि यहाँ से बहुत जूमिंग हो गए काफ़ी ज़्यादा है। गाइस मैंने इस लेंस को उतार दिया है और ट्राइपॉड को भी हाथ में उठा लिया है। गाइस ब्लॉग कैसा लगा है, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।